हेलो क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फर्स्ट एक्सरसाइज के सिक्स क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें जो इनइक्वालिटी है वो रियल एक्स के लिए फाइंड करनी है, ठीक है, रियल एक्स के लिए। तो हमें इनइक्वालिटी ये गिवन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो 3x है मैं उसे उस साइड भेज सकता हूँ और इस माइनस वन को इस साइड ले आ सकता हूँ, है ना। मैं क्या करूँगा, इस 3x को उस साइड भेज दूँगा और इस माइनस वन को इस साइड लेके आऊँगा, क्लियर है। तो जाएगा माइनस सेवन पहले था, प्लस वन हो जाएगा, ग्रेटर देन 5x माइनस 3x हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई क्या हुआ है? देखिएगा, ये जो 3x था उस साइड जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस वन जब इस साइड आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव, सॉरी माइनस सिक्स ग्रेटर देन 2x। टू जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन एक्स विच इज़ माइनस थ्री लेस देन एक्स। अब ये इनइक्वालिटी क्या कर रही है कि जो एक्स है वो छोटा होना चाहिए माइनस थ्री से, ठीक है। ये जो एक्स है छोटा होना चाहिए माइनस थ्री से, ये इनइक्वालिटी ये नहीं कर रही है कि एक्स जो है माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक्स जो है छोटा होना चाहिए माइनस थ्री से, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लगेगा यहाँ पे, ओपन का ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस का साइन है। नीचे अगर इक्वल का साइन होता तो फिर क्लोज ब्रैकेट लगता, नीचे इक्वल का साइन है ही नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा। और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि माइनस थ्री से छोटा है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।